नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में, जो कि 11 अप्रैल को निर्धारित थी लेकिन वहां पर कैंसिल कर दी गई थी चुनाव की वजह से। तो यहां पर अब 15 अप्रैल को बीएड प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। तो ये यहां पर न्यूज़ आर्टिकल है, इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। चुनाव आयोग की सहमति के बाद शासन ने राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा अब 11 अप्रैल के बजाय 15 अप्रैल को होगी। दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 6,09,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय को परीक्षा स्तरीय को राज्य स्तरीय बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। परीक्षा में 6,28,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। फीस जमा करने के बाद इनसे 6,09,000 अभ्यर्थी अब तक कंपाइल हुए डेटा के मुताबिक इस अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर वीआर कुकरेती ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 15 जिलों में करीब 1220 केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। इसमें बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, फैज़ाबाद एवं बनारस जिले शामिल हैं। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित थी। दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे वीडियोस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में अगर आप आरआरबी एनटीपीसी प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको जीएस से संबंधित पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।